हेलो, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण सियोल है। मैं एक हाइड्रोलॉजिस्ट और इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट हूँ। टेम्परेचर बढ़ने पे मैं एक सबसे अच्छी गाइडलाइन लेके आया हूँ जो सरकार को लागू करनी चाहिए, जिसे बहुत तेज़ी से पेड़ लगेंगे भी और लोगों को लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को एक नियम लागू करना चाहिए कि इस साल 2022 में लोगों के जिनके घर के आगे पेड़ लगाने की जगह है, वो अगर ज़्यादा जगह है तो 10-10 फुट के गैप पे एक एक पेड़ लगाए, या कम जगह है तो सिर्फ एक पेड़ लगाए, और अगर कोई पेड़ नहीं लगाता है, ठीक है, तो उसको हर महीने 100 रुपये बिजली के बिल में टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। ये नियम लागू कर दे, डर की भक्ति से ही काम होगा, ऐसे नहीं होगा। दूसरा, एक ऐप लॉन्च की जाए जिसमें लोग जो पेड़ लगाए हैं वो डेटा डाल सके कि भाई हमने पेड़ लगा दिया, तो टिक आ जाएगा, हाँ लग गया। फिर उसको हर महीने के इस साल वो पानी दे के बड़ा हुआ नहीं हुआ है, सिर्फ 2 साल की सेवा है, पेड़ आराम से बड़ा हो जाएगा। अगर सरकार लगाने जाएगी, लाखों रुपये का गबन हो जाएगा, बीच में लोग पैसे खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये डर की भक्ति से ही काम होगा, लोग ऐसे नहीं समझेंगे। सबके घर के आगे पेड़ उसी तरीके से लग जा सकते हैं जो ये पहला नियम मैंने बताया। दूसरा नियम ये है कि लोग कहते हैं कि फ्रूट पेड़ के पेड़ लगाओगे तो लोग पत्थर फेंकेंगे या वो फेंकेंगे, या बच्चे पत्थर फेंकेंगे या लोग तोड़ेंगे। तो लोग दूसरा नियम ये लगाए कि फ्रूट के पेड़ लगाए तो हर महीने बिजली के बिल में, जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, फ्रूट देने लग नहीं जाता, या 3 साल मान लिए जाए, तो उसके अंदर सरकार 10 रुपये इनाम राशि, सिर्फ 10 रुपये इनाम राशि डाले। और ये उससे क्या होगा कि लोग लालच में या थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ यार हम कुछ काम कर रहे हैं तो सरकार इनाम भी दे रही है, क्योंकि लोग लालची है, लालची के बिना काम होगा नहीं। तो पहला तो डर, अगर पेड़ नहीं लगाओगे तो टैक्स लगेगा, और दूसरा अगर फ्रूट के पेड़ लगाओगे तो सरकार आपको इनाम देगी। बहुत सारी ऐसी जगह है जो कम है, कंजेस्टेड जगह पे है, गलियों में है, तो वहाँ वैसे पेड़ लगाए जाए जो कम जगह खाते हैं, जैसे अशोका लगा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेड़ है, अशोका लगाए जा सकते हैं, एक बड़े पत्तों वाला होता है, सागवान लगाया जा सकता है। राजस्थान के क्लाइमेट में सागवान बहुत अच्छी तरीके से सूट होता है, हमने लगा के देखे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, तो वैसे पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ख़ास करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाए, क्योंकि सब जगह पे ये प्रॉब्लम है कि गर्मी से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो लोग फोगर लगा रहे हैं, अब राजस्थान सरकार ने 3 फोगर मशीनें लेके आई है, वो एक तरीके से अनयूज्ड है, उनसे गर्मी कम नहीं होगी। पर्यावरण को अगर बचाना है, हाइड्रोलॉजी के अंदर ये है कि अगर पेड़ लगाओगे तो ही ग्राउंड वाटर मेंटेन होगा, पानी बचाने से कुछ नहीं होगा, पेड़ लगाओगे पानी अपने आप बचेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो ये एक तरीके हैं, 2 तरीके जो सरकार को लागू करने चाहिए। मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे ये बात सरकार तक पहुंच सके और वो ये नियम लागू करे, जिससे काम हो सके। ये काम सिर्फ डर से और लालच से ही हो सकता है कि अगर पेड़ नहीं लगेंगे तो टैक्स लगेगा, और पेड़ लगेंगे तो गिफ्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।